फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं वॉइस, प्रेजेंट टेंस में वॉइस लेके आए हैं, यानी कि आज हम एक्टिव टू पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करेंगे प्रेजेंट टेंस की संपूर्ण वॉइस। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहे, पूरी वीडियो देखे अंत तक देखे, और पसंद आए तो अंत में लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और पहली बार प्लीज बेल बटन को ऑन करना न भूले। जैसे फ्रेंड्स हम आज एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और प्रेजेंट टेंस के तीनों फॉर्म्स में। तो पहला हम ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में हम साधारण वर्तमान काल कहते हैं, सिंपल। ये हम एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, इसको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करेंगे, आइए। फ्रेंड्स पहला क्या है, एक्टिव वॉइस कहे तो ये टेंस ही है, राम ईट्स अ मैंगो। क्या है राम ईट्स अ मैंगो, इसको किस प्रकार हम चेंज करेंगे, पहले ए मैंगो, ए मैंगो इज, ए मैंगो इज ईटन इट बाय राम। फ्रेंड्स यह पहला सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा है टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, इसको किस प्रकार पीवी में चेंज करेंगे, द स्टूडेंट्स टॉच बाय टीचर। यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला है आई राइट अ लेटर, एक्टिव वॉइस में है आई राइट, मतलब मैं एक पद लिखता हूं, तो इसका पीवी होगा ए लेटर इज, ए लेटर इज रिटन बाय किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय मी, अ लेटर इज इट बाय मी। यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला है द फार्मर प्लॉक्स द फील्ड, यानी किसान खेतों की जोताई करते हैं, तो वो पहले का द फील्ड, द फील्ड्स आर प्लॉग्ड बाय फार्मर, किसके द्वारा, किसान के द्वारा, द फार्मर। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ है यू प्ले क्रिकेट मैच, यानी तुम क्रिकेट मैच खेलते हो, तो इसका पीवी होगा क्रिकेट मैच इज प्लेड बाय यू, किसके द्वारा, बाय यू। यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ एक्टिव वॉइस में मैसन बिल्ड्स द हाउस, यानी राजमिस्त्री घर बनाते हैं, इसका पीवी क्या होगा, द हाउस इज बिल्ट बाय मैसन, मैसन मतलब राजमिस्त्री मैसन। यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे है द बर्ड्स चूज व्हीट, यानी पक्षियां जो है वह गेहूं की दाना चुनती है, इसका पीवी होगा व्हीट आर चूजेन बाय बर्ड्स। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे है राम ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, राम जो है एक ग्लास पानी लाता है, उसका पीवी क्या होगा, एक ग्लास ऑफ वाटर इज ब्राउट बाय राम। यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं लता सिंग्स अ सॉन्ग, लता जो है एक गीत गाती है, इसका पीवी क्या होगा, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय लता, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाय लता। अब है देखते हैं मदर लव्स हर बेबी, यानी माँ अपने बेबी को प्यार करती है, पसंद करती है, तो बेबी इज लव्ड बाय हर मदर। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है द काउ ग्राजेज ग्रास, यानी गाय जो है घास खाती है, इसका पीवी क्या होगा, दी ग्रासेज इज ग्राज्ड बाय काउ। फ्रेंड्स इस प्रकार हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आइए हम
अब देखते हैं अब हम से आगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस किस प्रकार चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। पहला है राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो इसका इसका पी भी हो जाएगा पी भी। तो ए मैंगो, ए मैंगो इज बींग, ए मैंगो इज बींग ईटेन बाय राम। यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसको पी भी क्या होगा द स्टूडेंट्स आर बींग, द स्टूडेंट्स आर बींग टच, द स्टूडेंट्स आर बींग टच बाय टीचर, बाय टीचर। वो अभी संदेश हो रहा कंप्लीट हो गया। अब है आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको पी भी किस प्रकार चेंज करेंगे राइटिंग अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर इज बींग, लेटर इज बींग रिटेन, रिटेन बाय मी। यह सही नसौरा कंप्लीट हो गया। आगे है फार्मर इज प्लॉगिंग द फील्ड्स, फार्मर इज प्लॉगिंग द फील्ड्स, पहले होगा द फील्ड्स आर बींग, द फील्ड्स आर बींग प्लॉग्ड, प्लॉग्ड बाय फार्मर। वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे है यू आर प्लेइंग क्रिकेट मैच, यू आर प्लेइंग, इसको किस प्रकार चेंज करेंगे क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच इज, क्रिकेट मैच इज प्लेड, प्लेड बाय यू, किसके द्वारा तुम्हारे द्वारा बाय यू। यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तब आगे है मैसन इज बिल्डिंग हाउस, मैसन इज बिल्डिंग हाउस, तो क्या होगा द हाउस इज बींग, द हाउस इज बींग बिल्ड, बिल्ड बाय मैसन। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब है द बर्ड्स आर चूजिंग वीड्स, द बर्ड्स आर चूजिंग वीड्स, यहाँ क्या होगा वीड्स आर बींग, वीड्स आर बींग चूजेन, चूजेन बाय बर्ड्स, बाय बर्ड्स। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब है राम इज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पी भी होगा अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर इज बींग ब्राउट, ब्राउट बाय, इसके द्वारा राम के द्वारा बाय राम। सेंटेंस इज कंप्लीटेड। अब है लता सिंग्स ए सॉन्ग, पी भी में ए सॉन्ग इज being, a song is being sung by Lata. Sentence is completed. अब है mother is loving her child, mother is loving her child, child is being loved, loved by her मदर। सेंटेंस इज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट है द काउ इज ग्राजिंग ग्रास, द काउ इज ग्राजिंग ग्रास, तो होगा ग्रास इज बीइंग, ग्रास इज बीइंग ग्राज्ड, ग्राज्ड बाय काउ। तो फ्रेंड्स यह हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस किस प्रकार चेंज करेंगे उसी की जानकारी दी। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें। फ्रेंड्स मेरे साथ बनी रहे। अब है राम हैड ईटन अ मैंगो, राम हैड ईटन अ मैंगो, इसका पी भी होगा पी भी में अ मैंगो, अ मैंगो हैज बीन, अ मैंगो हैज बीन ईटन, ईटन बाय राम, अ मैंगो हैज ईटन बाय राम। आगे है द टीचर हैज टच द स्टूडेंट, टीचर हैज टच द स्टूडेंट, इसका पी भी होगा द स्टूडेंट्स हैव बीन टच,
taught by teacher. The students have been taught by teacher. Next है, I have written a letter. I have written a letter. ये लिखेंगे a letter. A letter has been. A letter has been written by me. मेरे द्वारा. By me. सिंधी सवरा कमेंट किया. अब इस एक्टिव को किस बार पेशी में चेंज करेंगे? Farmer has plugged the field. होगा the fields have been plugged by farmer. सेंटेंस और कंप्लीटेड हो चुका है. अब है यू हैव प्लेड क्रिकेट मैच. तो यहां होगा क्रिकेट मैच हैज बीन प्लेड बाय यू. यह हमारा कंप्लीट हो गया. अब आगे है मैसन हैज बिल्ड द हाउस. मैसन हैज बिल्ड द हाउस. यह होगा द हाउस हैज बीन बिल्ट बाय मैसन. सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया. आगे है द बर्ड्स हैव चूजन व्हीट. व्हीट्स यहाँ होगा व्हीट्स Have been chosen by birds. Sentence हमारा यहाँ भी complete हो गया. अब आगे है Ram has brought a glass of water. तो यहाँ का a glass of water. A glass of water has been brought by Ram. सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया. अब आगे देखते हैं लता हैज सॉन्ग ए सॉन्ग. लता हैज तो होगा ए सॉन्ग हैज बीन अ सॉन्ग हैज बीन सॉन्ग बा लता. तो सेंटेंस हमारा यहाँ भी कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट है मदर हैज लव्ड हर चाइल्ड. मदर हैज लव्ड हर चाइल्ड. यहाँ होगा चाइल्ड हैज बीन लव्ड. Child has been loved by her mother. Friends, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब है द कॉ हैज ग्रास्ड ग्रास. होगा ग्रास्ड हैज बीन ग्रास्ड बाय कॉ. तो फ्रेंड्स इस प्रकार बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा. तो फ्रेंड्स आज हम जाना प्रेजेंट टेंस में संपूर्ण वॉइस यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस सभी के बारे में आज हमने जाना. फिर उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दे, कमेंट कर दे, पहली बार के लिए बुरी और करना ना भूले. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.